आसमान कितना साफ है, वाव, मतलब इतना मजा आता है ये सब। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे से, और फिलहाल यहाँ पे मौसम बहुत मस्त हो रहा है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी से हवा चल रही है। अभी तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर थोड़ी देर में कभी धूप आ रही है, कभी ऐसी हो रहा मौसम, मतलब किस समय धूप आ रही है, किस समय ऐसा हो रहा है जैसा अभी हुआ है, और मस्त अभी तो हवा चल रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे गौशाले पे आए हुए हैं। आज हम लोग तोड़े हैं गोला नाशपाती, और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ये बॉक्स तैयार करके रख दिया मैंने अभी, और पीछे हम लोग कुछ एक तिरपाल लेके आए हैं, कुछ रस्सी और 2-3 झोले, एक क्रेट हो गया सामने, उसमें भाई साहब ने तोड़ दिया, और डब्बू भी हमारे साथ आया हुआ है। सो गाइज, ये है गोला नाशपाती का पेड़, और ये गोला नाशपाती है हमारा, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है इस समय, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, टेस्टी एकदम मस्त। और ये 2 बॉक्स तोड़ दिए भाई साहब, अभी तोड़ ही रहे हैं, तो आज हम 2 ही लोग तोड़ने वाले हैं यहाँ पे। और सामने अभी स्टैंड लेके आना है, मैं वो भूल गया था बाहर से तोड़ने के लिए, अभी देखते हैं जितना पहले अंदर अंदर से टूटेगा उतना ही यूज़ करेंगे। और ये देखो रस्सियाँ भी लाए हैं, क्योंकि जब सबसे ऊपर टॉप पे चढ़ जाते हैं ना, फिर वहाँ से रस्सियों के सहारे से बैग नीचे देते हैं। और ये तिरपाल हो गया, और हमारे साथ सिर्फ डब्बू आया हुआ है। क्यों डब्बली, ब्लैक ही कहाँ है? डब्बू ने खाना खा लिया, अभी थोड़ा सा ही खाया है। ये वैसे मोस्टली बहुत कम खाता है, इसे रात को ही खाता है, बस हो गया, दिन में इसको नहीं चाहिए। ये हमारे घर का एक सुंदर सा दृश्य देखो, कहीं पर धूप आ रही है, कहीं पर छांव है, तो अच्छा लग रहा है। और बादल देखो, आसमान कितना साफ है, वाव, मतलब इतना मज़ा आता है ये सब कुछ देखने में ना। ये देखो बादल, आसमान, और उसमें जब धूप से बादल चमक रहे, तो कितना मज़ा आ रहा है सब कुछ देखने में। चारों तरफ अभी सिर्फ यही माहौल है। अभी इस वक्त यहाँ पे कभी बारिश होती है, कभी धूल होती है, मतलब ये वातावरण बिल्कुल साफ रहता है, इतना साफ कि मज़ा आ जाता है। देख लीजिए, आप खुद देखिए, और सामने जो दिख रहा है वो चोटी पे, वहाँ पे हल्की हल्की वो बादल ही है वैसे भी। तो एक बैग और दे देता हूँ, ये ब्लॉग बनाना है, और तो अभी चल रहा है। तो अब हम मैं भी अपना काम शुरू करता हूँ इनको भरने का। फिलहाल मैं लेकर के आ रहा हूँ स्टैंड और ये मार्कर पेन, मार्कर लगा के भी चले जाएंगे। स्टैंड इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि बाहर की टहनियाँ हैं ना, उनमें चढ़ा नहीं जा रहा है। गैस, हमारा काम हो चुका ख़त्म। देखो पेड़ लगभग लगभग खाली हो गया, मतलब थोड़ा बहुत रह गया इसमें। ये जो नीचे उठाए थे वो लेके चले गए हैं पापा और भाई, स्टैंड भी भाई लेके चला गया, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये ना जो नीचे जितने भी नीचे गिरे हुए थे वो भी यूज़ होंगे। ये देखो हमने ये रख दिए, इनको हम गाय को खिलाएंगे कल को, आज तो नहीं खिलाएंगे। देखो सब साफ़ हो गया। फिलहाल हमारा काम हो चुका है कंप्लीट यहाँ पर का, और अभी जब गाड़ी आएगी तो फिर लोड करने का रह जाएगा। अगर बारिश आती है तो हमने तिरपाल ढक दिया ऑलरेडी। ये हमारे खेत का रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो रहा है, जो अभी ये ठीक कर नहीं रखा, पूरा उधार पुधार हो गया है यहाँ, गजब वाला। फिलहाल मैं आड़ू तोड़ने आया हूँ, यहाँ नीचे हमारा एक पेड़ है, ऊपर से तो सारे बह गए, तो इसमें देखते हैं अगर जो ठीक होंगे इनको हम घर लेके चलते हैं खाने के लिए। ये साल का लास्ट, इस सीज़न का लास्ट आड़ू है, देख लो है नहीं, कलर भी अच्छा दे रखा है इसने अभी। सो गाइज, आज भी हम कल वाला ही काम कंटिन्यू कर रहे थे,
तो फिलहाल हम लोगों ने आज का काम भी खत्म कर दिया, वही गोला नाशपति तोड़नी थी। तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे ना झुलमोड़, झुलमोड़ होते हैं हमारे यहाँ मधुमक्खी टाइप की होती है, बट मधुमक्खी तो शहद देती है, ये लेकिन काट देती है। गाइज आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज दिन में धूप थी, अभी फिलहाल बादल लगे हुए। सच में यार दो दिन से हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हुई, इतने परेशान हो गए हम बारिश की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से, कि अगर बारिश हो तो थोड़ा अच्छा रहता है, बरसात में तो बारिश ही अच्छी लगती है। और ये थोड़ा सा हल्का काम रह गया कल के लिए हमारे लिए। और ये देखो ये हमारे झलमौड़ के पुड़, तो ये जो झलमौड़ थे ना वो तो बेस मैंने देख लिया इनको उस समय, नहीं तो ये ऐसे परेशान करने वाले थे। ये देखो सो गाइस ये होता है झलमौड़ और ये छोटी सी पूड़ है। अभी इसको शाम को ना यहाँ से हटा देंगे, जैसे भी करेंगे देखते हैं, और फिर कल इसको फिनिश कर देंगे, हमारा काम गोला नाशपाती का ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी मोटो ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियोज़ अगर हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।